स्वागत है आप सबका स्कोरोटो मोबाइल यूट्यूब चैनल पे, मेड विद लॉट्स ऑफ हार्डवर्क एंड डेडिकेशन। सो वी रिक्वेस्ट यू टू शेयर एज मच पॉसिबल। जी हाँ, काफी सारा हार्डवर्क एंड डेडिकेशन लग रहा है वीडियो को बनाने के लिए वेरी शॉर्ट टाइम में, वो भी पूरा सिलेबस। सो वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन पूरी टीम को मोटिवेट करता है। लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो बनाया था, बट काफी जन ने देखा था, बट द लाइक थोड़े कम थे। सो आई रिक्वेस्ट यू टू, इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक कीजिए एंड साथ साथ में शेयर भी कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपके डिमांड पे हम लेके आए हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, दैट इज AENME 6i फॉर MSBT मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑनलाइन एग्जाम 2020। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू ऑटोमोबाइल्स। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लेक्चर को जरा भी स्किप ना कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज मैं आप वीडियो के बीच में बता रहा हूँ वो आप मिस कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और सारा सिलेबस कवर किया गया। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू ऑटोमोबाइल्स। द बेसिक ऑटोमोबाइल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द सस्पेंशन सिस्टम, एक्सेल, व्हील्स एंड फ्रेम। कंपेयर टू फ्रेम कंस्ट्रक्शन, द फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल इज इकोनॉमिकल व्हेन प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल। मोस्ट कॉमनली यूज पावर प्लांट ऑन ऑटोमोबाइल इज IC इंजिन, दैट इज इंटरनल कंबशन इंजिन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि IC इंजिन का फुल फॉर्म क्या है, तो दैट इज इंटरनल कंबशन इंजिन। द पर्पज ऑफ गियर बॉक्स इन एन ऑटोमोबाइल इज टू वेरी टॉर्क। ठीक है, द मेन सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल या फिर द मेन कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल इंजिन इज मोस्ट सिंपल व्हेन द इंजिन इज प्लेस्ड एट फ्रंट। इन केस ऑफ फोर व्हील ड्रिवन व्हीकल द रोड एडहेशन इज इंक्रीज। द एग्जाम्पल ऑफ सलून इज होंडा सिटी कार। द एग्जाम्पल ऑफ हैचबैक इज होंडाई 10। द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द इंजिन क्लच गियरबॉक्स यूनिट इज सपोर्टेड ऑन द चासिस फ्रेम इज 3। द वेट ऑफ द व्हीकल प्रोड्यूस इज इन द साइड मेंबर ऑफ द फ्रेम इज वर्टिकल बेंडिंग। द फ्रेम मे गेट डिस्टॉर्टेड टू अ पैरेललोग्राम शेप ड्यू टू व्हील इंपैक्ट विथ रोड ऑब्स्टेकल्स। Lateral bending of the frame side members may be caused on account of side winds. The most effective section against bending is square hollow section. The best hydrocarbons from detonation viewpoint are aromatics. The process of changing molecular structure of the straight run gasoline is called reforming. The process in which hydrocarbons are decomposed into smaller hydrocarbons is called cracking. Blending refinery petrol with ethanol results in increase in octane rating. The calorific value of gasoline is about 45 megajoule per kg. The calorific value of alcohol is less than that of gasoline. The octane number of isooctane is 100. Now, chapter 2, automobile transmission system. Lecture mein aage badhne se pehle main aapko batana chahta hu ki aapne abhi tak ek like nahi kiya to ek like zarur kijiye, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारी पूरी टीम को मोटिवेट करेगा। चैप्टर 2, ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन सिस्टम। अ क्लच इज यूजुअली डिजाइन टू ट्रांसमिट मैक्सिमम टॉर्क व्हिच इज 150% ऑफ द मैक्सिमम इंजन टॉर्क। द इनर्शिया ऑफ द रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ द क्लच शुड बी मिनिमम।
The coefficient of friction for a clutch facing is approximately 0.4. The maximum value of axial force at the clutch which a driver can apply while driving without getting fatigue is approximately 100 Newton. The maximum intensity of pressure which the clutch facing can withstand without being damaged is about 100 kPa. The clutch is located between the transmission and the engine. The parts of the cover assembly that holds the pressure plate against the clutch plate are springs. Cushioning springs in clutch plate are meant to reduce jerky starts. The thrust bearing should come into contact with the release lever when the clutch pedal is pressed. In a clutch with coil spring, the wear of the clutch facing will cause the clamping load to decrease. Clutch facing is usually attached to the plate by brass rivets. Free pedal play in a car clutches is about 30 mm. The purpose of transmission in an automobile is to vary the torque at the road wheels. Increase of torque in a vehicle is obtained by decreasing speed. Two advantages of using helical gears rather than gears in transmission are low noise level and high strength. Clear? By using synchronizing device, the two involved adjacent gears have their speed equalized. In a simple planetary gear set, the output member to increase torque is always the planet carrier. In a simple epicyclic gear set, the output member to increase the torque in reverse is always the ring gear. The central gear of an epicyclic set is called a sun gear. The component of the torque converter that allows multiplication torque is a stator. The component of a torque converter that drives the oil is impeller. The maximum torque multiplication ratio in a torque converter is about 2.5. The component of the torque converter that redirects the flow of oil to impeller is stator. In a torque converter, maximum torque multiplication occurs at stop. The blades in a torque converter have a shape which is curved. Critical whirling speed of a shaft is increased by decreasing its length. The function of a universal joint is to allow the propeller shaft to transfer torque at an angle. Central portion of the propeller shaft is made from a steel tube. A two-piece propeller shaft requires a center support bearing. The inner end of the axle shaft is splined to sun gear. The adjustment for backlash in a differential is provided between crown wheel and planet gear. So, isme question aise bhi aa sakta hai ki the adjustment for dash in differential is provided between crown wheel and the planet gear. So, answer is backlash. Theek hai? Hypod gears require special lubrication because sliding action is there between the teeth. The smaller gear inside the differential casing are pinion gear. When the gear wheel are jacked up and the gears are neutral,
टर्निंग वन रियर व्हील फॉरवर्ड इन अ रियर ड्राइव व्हीकल विल कॉज व्हील टू टर्न बैकवर्ड. द टाइप ऑफ रियर एक्सेल यूज ऑन ट्रक इज फुल्ली फ्लोटिंग. इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फुल्ली फ्लोटिंग इज अ टाइप ऑफ डैश यूज ऑन अ ट्रक. सो आंसर इज रियर एक्सेल. सालिसबरी टाइप रियर एक्सेल केसिंग इज ऑल्सो नोन एज यूनिटाइज कैरियर केसिंग. ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है. यूनिटाइज कैरियर केसिंग इज अ रियर एक्सेल टाइप केसिंग नोन एज. सो आंसर इज सालिसबरी टाइप. क्लियर. नाउ चैप्टर 3 दैट इज ऑटोमोबाइल कंट्रोल सिस्टम. तो लेक्चर में अगेन आगे बढ़ने से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने अभी तक एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कीजिए, एंड साथ साथ में सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक एंड सब्सक्रिप्शन पूरी टीम को मोटिवेट करता है. वेरी शॉर्ट टाइम में इतना सब एक साथ वीडियो लाना, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी वेरी हार्ड, राइट. सो वी रिक्वेस्ट यू टू शेयर एज मच पॉसिबल, एंड आपका एक लाइक एंड सब्सक्रिप्शन पूरी टीम को मोटिवेट करेगा. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 3 ऑटोमोबाइल कंट्रोल सिस्टम. द एंगल फॉर्म्ड बाय द व्हील विद द वर्टिकल व्हेन द टॉप ऑफ द व्हील स्लांट्स आउटवर्ड इज कॉल्ड पॉजिटिव कैम्बर. ध्यान दीजिए, स्लांट आउटवर्ड्स. द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन जॉइनिंग द स्टब एक्सेल स्टीयरिंग आर्म बॉल जॉइंट्स विद द वर्टिकल व्हेन दिस लाइन स्लांट्स फॉरवर्ड एट द टॉप इज कॉल्ड नेगेटिव कैस्टर. The included angle is the sum of camber and SAI. The turning circle for a car is approximately 10 meters. Cornering force divided by the slip angle is called cornering power. The side force sustained by the wheel during cornering divided by the slip angle is called cornering power. Another name for a steering link rod is drag link. तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है. Drag link is another name for dash. तो आंसर इज steering link rod. Clear? Most popular manual steering gears for car today is rack and pinion type. The steering ratio for manual steering of cars is approximately 15. One purpose of a recirculating ball type steering gear is to reduce the operating friction. Clear? In the reciprocating ball type steering gear, the ball travels between the ball nut and the worm shaft. So, isme question aise bhi aa sakta hai ke in dash type steering gear, the ball travels between the ball nut and worm shaft. The answer is reciprocating ball type steering gear. ठीक है. The type of steering gear used in Maruti 800 car is rack and pinion. Exam में question ऐसे भी आ सकता है कि rack and pinion type of steering gear is used in dash car, that is Maruti 800. ठीक है. On car having rack and pinion steering, the gear rack is attached to टाई रॉड. इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ऑन कार हैविंग डैश स्टीयरिंग द गियर रैक इज अटैच्ड टू द टाई रॉड. द आंसर इज रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग. क्लियर. द ब्रेक एफिशिएंसी ऑफ अ न्यू व्हीकल इज अबाउट 80%. नाउ ब्रेक फेड इज लॉस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, लॉस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मींस डैश. सो आंसर इज ब्रेक फेड. तो ये भी आप ध्यान में रखिए. फेडिंग ऑफ ब्रेक अकर्स ड्यूरिंग कंटिन्यूअस एप्लीकेशन. ठीक है. ड्यू टू वेट ट्रांसफर द रेशियो ऑफ ब्रेकिंग इफेक्ट एट द फ्रंट एंड एट द रियर व्हील शुड बी 60% at the front and 40% at the rear. ठीक है. तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, ड्यू टू द वेट ट्रांसफर द रेशियो ऑफ ब्रेकिंग इफेक्ट एट द फ्रंट एंड एट द रियर व्हील शुड बी. तो आपको क्या ध्यान में रखना है, फ्रंट के लिए 60 याद रखना है और रियर के लिए 40 याद रखना है.
ऑप्शन कुछ भी आ सकते हैं, 60, 40, 40, 60, 30, 40। तो याद रखे फ्रंट के लिए 60 एंड रियर के लिए 40। द ब्रेक्स एम्प्लॉयड इन कार्स आर यूजुअली ऑपरेटेड हाइड्रोलिकली। कंपोनेंट ऑफ अ व्हील सिलेंडर विच सील्स द ब्रेक फ्लूइड इज कप। ड्यूरिंग ब्रेकिंग द पुश रॉड डायरेक्टली ऑपरेट्स द पिस्टन। In drum type brakes, the fluid on releasing returns to the master cylinder due to the action of the piston return spring and wheel cylinder spring. Clear? Intake port in the master cylinder allows brake fluid to flow around a recessed section of the piston. If proportionating valve is not working, front brake may lock. तो इस पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, द फ्रंट ब्रेक मे लॉक इफ डैश वॉल इज नॉट वर्किंग। तो आंसर इज प्रोपोर्शनेटिंग वॉल इज नॉट वर्किंग। मोस्ट एंटी स्किड डिवाइसेस आर एम्प्लॉयड ऑन फ्रंट ब्रेक्स। इन डिस्क ब्रेक्स पैड टू डिस्क एडजस्टमेंट इज प्रोवाइडेड बाय पिस्टन सील। द ब्रेक ब्लीडिंग प्रोसेस रिमूव्स फ्रॉम द सिस्टम, क्या रिमूव करता है, दैट इज एयर। इन मारुति कार द ब्रेक्स यूज्ड आर डिस्क ऑन फ्रंट एंड ड्रम ऑन रियर। मतलब आगे के साइड पे डिस्क है और पीछे की साइड पे ड्रम है। क्लियर? इलेक्ट्रिक ब्रेक्स आर कॉमनली यूज्ड ऑन ट्रेलर्स। तो ट्रेलर्स पे इलेक्ट्रिक ब्रेक कॉमनली यूज होते हैं। ठीक है? On suspended vacuum brakes, there is a vacuum on both the side of the piston during brake release. Clear? The exam question ऐसे भी आ सकता है, on suspended vacuum brakes, there is a vacuum on dash side of the piston during brake release. The answer is both side. Clear? Air brakes are mostly used in case of trucks. The hand brake usually operate on rear wheels. ब्रेक लाइनिंग कंसिस्ट ऑफ मेनली एस्बेस्टोस। क्लियर? परसेंटेज ऑफ कॉपर इन अ प्रेजेंट डे ब्रेक पैड इज 20। द मैक्सिमम डिस्क रन आउट अलाउड ऑन द व्हीकल इज जनरली 0.1 mm। द कार्बन सिरामिक ब्रेक्स आर स्टैंडर्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम 2008 on all Ferraris. Okay? Now before going on to chapter 4, मैं आपको request करना चाहता हूँ कि काफी 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 hard work हो रहा है सब lectures बनाने के लिए in a short period of time as per MSBT multiple choice question including whole syllabus. So एक आपका एक like और एक subscription पूरी team को motivate करेगा। तो आपने अभी तक एक like नहीं किया तो जरूर like कीजिए और subscribe का button है उसको भी दबाइए और ठान लीजिए कि आप ये वीडियो आपके फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे, चाहे वो नजदीक रहते हो या दूर रहते हो। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 4, ऑटोमोबाइल सस्पेंशन व्हील एंड टायर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द व्हीकल राइड विल बी कंफर्टेबल इफ अनस्प्रंग वेट ऑफ द व्हीकल इज कैप्ट मिनिमम। द फंक्शन ऑफ स्टेबिलाईजर इन एन ऑटोमोबाइल इज टू डिक्रीज द टेंडेंसी टू रोल। Penhard rod used to absorb the side thrust. The function of a shackle with a leaf spring is to allow spring length to change. Spring eye in case of cars are usually lined with rubber bushes. Zinc liner between leaves of spring are sometimes used to prevent squeaking. Another name for a torsion bar is stabilizer bar. This question ऐसे भी आ सकता है, stabilizer bar is also known as, answer is torsion bar. The shock absorber in an automobile is used to dissipate the energy. ठीक है? Another name for a damper is shock absorber.
या फिर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, शॉक एब्जॉर्बर इज ऑल्सो नोन एज, आंसर इज डैम्पर। मॉडर्न शॉक एब्जॉर्बर्स आर वेलोसिटी सेंसिटिव। द गैस यूज्ड इन मॉडर्न शॉक एब्जॉर्बर इज नाइट्रोजन गैस। द कॉइल स्प्रिंग इन विशबोन सस्पेंशन इज प्लेस बिटवीन द लोअर विशबोन एंड द क्रॉस मेंबर। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है, आ सकता है कि द कॉइल स्प्रिंग इन डैश सस्पेंशन इज प्लेस बिटवीन द लोअर विशबोन एंड द क्रॉस मेंबर। सो आंसर इज विशबोन टाइप। क्लियर। द मैक्सिमम रूम इन द इंजिन कंपार्टमेंट इज प्रोवाइडेड विथ मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन। द टाइप ऑफ व्हील विच कैनॉट बी यूज विथ अ ट्यूबलेस टायर इज वायर व्हील। The type of wheel preferred in sports car are magnesium alloy wheel. In case of a wire, the vehicle weight is supported by the wires in tension. Clear? The term ply rating with reference to the tire refers to rated strength. Clear? The exam mein question aise bhi aa sakta hai ki the term rated strength डैश विथ रेफरेंस टू द टायर रिफर्स टू। द आंसर इज प्लाय रेटिंग। द पर्पज ऑफ टायर ग्रिप इज टू इंक्रीज ट्रैक्शन। थ्रेड डिटोनेशन इज लीस्ट ऑन रेडियल प्लाय टायर्स। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, इन रेडियल प्लाय टायर्स थ्रेड डिटोनेशन इज, आंसर इज लीस्ट। द डिसएडवांटेज ऑफ रेडियल प्लाय टायर compared to cross ply tire is uncomfortable ride at low speed. An under inflation tire will wear the tread most near the edges. An over inflated tire will wear the tread most near the center. Out of round brake drums, the cause tires to wear in single spot. Heel and toe type tire is caused by excessive acceleration and braking. इसके लिए ज्यादा acceleration और ज्यादा braking नहीं करना चाहिए, जितना desired है उतना ही करना चाहिए. The purpose of tire rotation in automobile is to equal wear. The permissible mixing of cross ply tires and radial ply tires allows cross ply tires on front wheels. तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने अभी तक एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कीजिए, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए, पूरी टीम के लिए काफी मोटिवेट करता है. सो लेट स्टार्ट चैप्टर 5, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो भी ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट अगर वीडियो देख रहे हो तो उनको ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक करके सब्जेक्ट है, तो वो सब्जेक्ट का काफी सारे चैप्टर्स है, जैसे स्टार्टिंग सिस्टम, चार्जिंग सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम, काफी सारे इग्निशन सिस्टम, काफी सारे चैप्टर. ये अगर चैप्टर आप करेंगे तो आपका काफी सारा क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा. तो जो ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट्स है, जो ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा कर रहे हैं, उनका AEE सब्जेक्ट भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा. तो इसके लिए ध्यान से देखिए. फॉर आइडेंटिफिकेशन द कलर टू टेल लाइट इन अ कार इज रेड. द टू क्वांटिटीज रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफाइंग एन इलेक्ट्रिक वायर आर द डायमीटर एंड नंबर ऑफ स्ट्रेंड्स. ठीक है. द टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर यूज्ड फॉर ऑटोमोबाइल हेडलैम्प इज पैराबोलिक. तो इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, पैराबोलिक टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर used for automobile dash lamp. The answer is headlamp. In a headlamp, the metal shield is placed below the dipper beam. Clear? For aiming the headlights, the distance between the headlights and the screen should be 7.6 meters. In modern vehicles, the headlight dimming switch is mounted on steering column. The three components of primary ignition circuit are the contact breaker, the ignition switch
एंड द कंडेंसर, ठीक है। द कंपोनेंट्स ऑफ सेकेंडरी इग्निशन सर्किट इंक्लूड द सेकेंडरी वाइंडिंग फॉर इग्निशन कॉइल, डिस्ट्रीब्यूटर रोटर, डिस्ट्रीब्यूटर कैप एंड स्पार्क प्लग। द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ इग्निशन कॉइल कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू टर्न्स ऑफ थिक वायर। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में सेकेंडरी वाइंडिंग आ गया, जैसे कि द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ इग्निशन कॉइल कंसिस्ट ऑफ, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मैनी टर्न्स ऑफ थिन वायर, क्योंकि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे एंड प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे वो कम रहेंगे, ठीक है। कॉन्टेक्ट ब्रेकर पॉइंट आर जनरली मेड ऑफ टंगस्टेन। द ड्वेल इज द टाइम फॉर विच द पॉइंट रिमेन क्लोज, क्योंकि ड्वेल पे हमने टॉम सॉम में पढ़ा होगा, ड्वेल पे लाइन एकदम जीरो जैसा होता है, क्लियर। इसके लिए यहां पे रिमेन क्लोज, तो एक ध्यान में रखिए। एक्सेसिव कॉन्टेक्ट ब्रेकर गैप रिजल्ट इन एडवांस टाइमिंग। इस पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एक्सेसिव कॉन्टेक्ट ब्रेकर डैश रिजल्ट इन एडवांस टाइमिंग, तो एक्सेसिव कॉन्टेक्ट ब्रेकर गैप, ठीक है। द स्पार्क अकर्स व्हेन द इंक्रीज ड्वेल, क्लियर। कॉन्टेक्ट ब्रेकर पॉइंट्स आर ओपन्ड बाय द कैम एंड क्लोज बाय द स्प्रिंग टेंशन। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डैश ब्रेकर पॉइंट्स आर ओपन्ड बाय द कैम एंड क्लोज बाय द स्प्रिंग टेंशन, आंसर इज कॉन्टेक्ट ब्रेकर, ठीक है। द ड्वेल एंगल ऑन अ सिक्स सिलेंडर इंजिन कंपेयर टू अ फोर सिलेंडर इंजिन इज लेस, ठीक है। तो इसपे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, द ड्वेल एंगल ऑन अ सिक्स सिलेंडर इंजिन कंपेयर टू अ डैश सिलेंडर इंजिन इज लेस, द आंसर इज फोर सिलेंडर इंजिन। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, द ड्वेल एंगल ऑन अ डैश सिलेंडर इंजिन कंपेयर टू द फोर सिलेंडर इंजिन इज लेस, द आंसर इज सिक्स सिलेंडर इंजिन। द कॉन्टेक्ट ब्रेकर गैप इज सेट मोस्ट एक्यूरेटली बाय मीन्स ऑफ अ ड्वेल मीटर, ठीक है। जो भी गैप होगा कॉन्टेक्ट ब्रेकर में, और किससे सेट किया जाता है, ड्वेल मीटर से। द कॉन्टेक्ट ब्रेकर गैप शुड बी सेट आफ्टर एडजस्टिंग ड्वेल एंगल। द कैपेसिटी ऑफ एन ऑटोमोटिव इंजिन कंडेंसर इज अप्रोक्सीमेटली 0.2 mf। द रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर शाफ्ट एंड द क्रैंक शाफ्ट स्पीड इज 1/2। द सेंट्रीफ्यूगल एडवांस मैकेनिज्म प्रोवाइड्स इग्निशन एडवांस प्रोपोर्शनल टू इंजिन स्पीड। वैक्यूम एडवांस मैकेनिज्म ऑपरेट्स एट लाइट इंजिन लोड, ठीक है। द इग्निशन टाइमिंग कैन बी एडजस्ट बाय अ स्ट्रोबोस्कोपिक लाइट, ठीक है। तो इस एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, स्ट्रोबोस्कोपिक लाइट कैन बी एडजस्ट बाय, दैट इज इग्निशन टाइमिंग। द कॉमनली यूज मटेरियल फॉर इंसुलेटर ऑफ स्पार्क प्लग इज एल्यूमिना। कंपेयर टू द लाइफ ऑफ अ स्पार्क प्लग ऑफ टू स्ट्रोक इंजिन, द स्पार्क प्लग लाइफ ऑफ अ फोर स्ट्रोक इंजिन इज अप्रोक्सीमेटली 1/2, ठीक है। द स्पार्क मे बी फाउल्ड बाय पेट्रोल, लीड, ऑयल, सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबाउट, दैट इज ए बी एंड सी। स्पार्क प्लग हैविंग वाइट इंसुलेटर टिप इंडिकेट्स ओवर एडवांस इग्निशन। अ स्पार्क प्लग विथ अ ब्लैक सेंटर इंसुलेटर इंडिकेट्स स्टक अप चोक वॉल इन द कार्बोरेटर। अ सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल विथ एग्जैक्टली 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, क्लियर। एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग विथ एंटीमोनी। टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर पी एन एन टाइप। करंट विल फ्लो थ्रू अ डायोड व्हेन इट इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है। अ ज़ीनर डायोड इज यूज्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। अ ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ अ बेस दैट इज एमिटर एंड कलेक्टर, सो कैसे याद रखना है, BEC, क्लियर। द ट्रांजिस्टर इज कंट्रोल्ड बाय द करंट एट द बेस।
The ignition coil in an inductive electronic ignition system is triggered on and off by means of a timer. A pulse generator consists of permanent magnet, reluctor, and time coil. The most accurate timer for an electronic ignition system is Hall effect switch. Hall effect switch बहुत ही अच्छा switch है. Clear? The number of ignition coil in a distributor-less ignition system for six-cylinder engine is 3. The color of positive plate of a lead acid battery is brown. The color of negative plate of a lead acid battery is gray. The positive plate of a lead acid battery has PbO2. The battery electrolyte consists of approximately by volume. तो 34% सल्फरिक एसिड एंड 65% वाटर. तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, बैटरी इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली बाय वॉल्यूम डैश परसेंटेज ऑफ सल्फरिक एसिड एंड डैश परसेंटेज ऑफ वाटर. तो आंसर इज 34% सल्फरिक एसिड एंड 65% वाटर. टू इंक्रीज आउटपुट वोल्टेज बैटरी सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. द कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ प्लेट्स पर सेल एंड size of plates. A maintenance free battery has a lead calcium plate grid. The number of positive plates in a battery cell is 1 less than the negative plate. Yaad rakho, ek kam hai negative plate se. Clear? A discharge acid battery has on its plates PbSO4. A fully charged 6-cell automotive battery should indicate 12 volts, no, specific gravity of 1.290 at 32 degrees Celsius, yes, 12.6 volt, yes. So answer is B and C both. With the increase of battery temperature, gravity of electrolyte decreases. So exam aisa bhi question aa sakta hai. With the dash of the battery temperature, gravity of electrolyte decreases. So answer is increase. Clear? An example of improved form of lead acid battery is absorbent glass mat battery. The battery which cannot be deep cycled is lead acid battery. Out of the following terms, which is not a process for recycling of batteries? So answer is deep cycling. The time required to charge a modern automotive supercapacitor is about 10 seconds. In a DC generator, magnetic field is produced in the stator. The three units contained in a regular for automobile DC generator are the voltage regulator, current regulator, and the cutoff relay, या फिर cutout relay. The frequency of a vibrating contact type regulator for DC generator is 200 per second. The charging voltage at the start of the engine is higher than when the engine is running load. This question ऐसे भी आ सकता है कि the charging volume at the start of the engine is higher than when the engine is dash load, engine is running load. In an alternator, the magnetic field is produced in the rotor. An alternator frame is made up of aluminium. The number of winding in the stator of an alternator is 3. The output of an alternator is controlled by voltage regulator. A thermistor is used in an alternator regulator to compensate for temperature change. Gear reduction between the starting motor and the flywheel is about 15. Clear? In a stator motor, the field winding are wound around pole shoes. Automotive starting motors are kya kya hai? Series wound? Yes. Series shunt wound? Yes. Shunt wound? No. So answer is series wound and series shunt wound. That is both A and B. The Stirling torques of starting motors for car vary between 30 to
10 टू 30 न्यूटन मीटर। ठीक है, इनर्शिया टाइप ड्राइव्स आर कॉमनली एम्प्लॉयड इन कार्स। एनी शॉर्ट सर्किट इन द आर्मेचर वाइंडिंग मे बी टेस्टेड विद अ ग्लोवलर। कंटिन्यूटी इन द फील्ड वाइंडिंग कैन बी टेस्टेड विद अ मल्टीमीटर। नाउ चैप्टर 6 मोटर व्हीकल एक्ट रोड सेफ्टी एंड गैरेज प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कीजिए, और साथ साथ में सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमारी पूरी टीम को मोटिवेट करता है। मैं फिर अगेन बता रहा हूँ कि वीडियो को बनाने में काफी हार्डवर्क एंड डेडिकेशन लगा हुआ है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसे लगा। तो लेट्स स्टार्ट। मोटर व्हीकल एक्ट रोड सेफ्टी एंड गैरेज प्रैक्टिस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1939 इज एप्लीकेबल एंड एक्सटेंड्स टू होल ऑफ द इंडिया। मैंडेटरी साइन द फर्स्ट शेड्यूल कंटेन्स हाउ मेनी साइंस। आंसर इज 36, दैट इज M1 से लेके M36। क्लियर, दिस साइन मींस, मतलब ये वाला साइन दिया गया है और पूछ रहे कि ये साइन का मतलब क्या है। तो उसका मतलब है zigzag road no, rough road no, overtaking prohibited yes, the answer is overtaking prohibited। ठीक है, क्योंकि यहां पे देखो और यहां पे डंडी दे, मतलब overtaking is prohibited। full form of HGV is heavy goods vehicle। which year replaced the motor vehicle act of 1939? कौन सा ऐसा year है जिसने रिप्लेस किया मोटर व्हीकल एक्ट 1939? तो वो ईयर है 1 जुलाई 1989। एन एयरबैग इज मेड अप ऑफ थिन नाइलॉन फैब्रिक फोल्डेड इनटू स्टीयरिंग व्हील और डैशबोर्ड यस, द डोर और सीट यस। अब इस पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एयरबैग इज मेड अप ऑफ थिन डैश फैब्रिक, तो आंसर इज नाइलॉन फैब्रिक। ठीक है, द एयरबैग जनरेट्स नाइट्रोजन गैस बाय इग्निशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। क्लियर, तो एयरबैग में नाइट्रोजन गैस होता है, ये ध्यान में रखो। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल कम्स इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1989। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए, और साथ साथ में वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, और उसके साथ साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का भला हो, क्योंकि वेरी शॉर्ट टाइम में आपकी रिक्वेस्ट थी, आपकी डिमांड थी, इसके लिए हम वीडियो लेके आए, और ये वीडियो बनाने में अगेन काफी हार्डवर्क एंड डेडिकेशन लगा हुआ है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसे लगा, क्योंकि आप कमेंट, आपका जो भी कमेंट रहेगा दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू वर्क फर्दर। इसके लिए कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसे लगा, एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एंड चाहे आपके रिलेटिव या फिर फ्रेंड दूर रहते हो या नजदीक रहते हो से जरूर शेयर कीजिए। द स्कोर ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल टीम विशेस यू ऑल द वेरी बेस्ट।